सेफ्टी रूल्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। चाहे पैदल यात्री हो या वाहन चालक, सड़क संबंधी नियमों का पालन सभी के लिए बेहद जरूरी है ताकि आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ऐसे में जरूरी है कि आप न सिर्फ रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में जानें बल्कि इनका पालन भी करें। एक नज़र इन आंकड़ों पर डालें। भारत में हर साल 1,20,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और 12,70,000 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर 6 मिनट में एक मौत सड़क दुर्घटना में होती है और वर्ष 2020 तक यह आंकड़ा हो जाएगा हर 3 मिनट में एक मौत। यह आंकड़े भी सिर्फ उन दुर्घटनाओं के हैं जिनके बारे में रिकॉर्ड रहता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में कई दुर्घटनाओं के बारे में पता तक नहीं चलता, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सही आंकड़े इससे कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। पूरे विश्व के मुकाबले अकेले भारत में 10% मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड रिसर्च सेंटर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक विकसित देशों के मुकाबले भारत में सड़क दुर्घटनाएं 3 गुनी अधिक होती हैं। आंकड़े और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दुर्घटनाओं को कम कैसे किया जाए। सबसे जरूरी है कि सड़क से संबंधित मूल नियमों को ईमानदारी से पालन किया जाए, चाहे वो सड़क पर चलने वाले लोग हों या वाहन चालक। यदि सभी नियमों का सही तरीके से पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी। सुरक्षा नियमों का पालन बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है और यह तभी संभव है जब पेरेंट्स और टीचर्स खुद इन नियमों का पालन करें। चलते वक्त हमेशा फुटपाथ का उपयोग करें, जहां फुटपाथ ना हो वहां सड़क के एकदम बाईं ओर ही चलें। कभी भी धैर्य खोकर जल्दबाजी ना दिखाएं, सिग्नल तोड़कर या सामने से गाड़ी को आधा देख भागकर रोड क्रॉस कभी ना करें। सड़क क्रॉस करते वक्त जेब्रा क्रॉसिंग सिग्नल, जब सबवे फुट और फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। जिन जगहों पर ये सुविधाएं ना हो वहां सुरक्षित जगह देखकर क्रॉस करें।